वीरेंद्र जी, मेरा रहेगा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है, अगेन 1220 के ऊपर है। यहाँ से मुझे लगता है 1280 1300 के लेवल्स तक जाना चाहिए। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन रफली 1240 का ही आप ले सकते हैं, जो रफली 12-12.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 19 का रहेगा, उसके ऊपर मुझे लगता है 24 भी आपको इसी सीरीज में आने चाहिए। ओके, शिल्पा जी के ट्रेड गोदरेज कंज्यूमर 1234 पे। इसका ऑप्शन अगर आप देखें 1240 का आपको लेना है। चलते हैं अब मानस जी के पास आज के फिर सुपरस्टार पिक करने के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, मदरसन पे संवर्धन मदरसन पे ध्यान रखिए, क्योंकि स्टॉक ने हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 20 डे मूविंग एवरेज थे उसको स्टॉक ने ब्रीच किए हैं, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 114 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 114 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 120 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 115 वाला 2 रुपए 10 पैसे 15 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 4 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी संवर्धन मदरसन में। अगला ट्रेड प्रशांत देंगे, चार्ट का चमत्कार। प्रशांत, क्या रहेगा ये? तो हर्षा जी, यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज में एक स्प्रिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, एक अच्छे स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट आ रहा है और प्राइस ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द डे हाई ट्रेड कर रही है इस वक्त। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बाइंग करनी चाहिए। 3715 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 3875 ये मेरा टारगेट होगा। इंडस्ट्रीज 3875 के लिए मौका तेजी का यहाँ पर दिख रहा है चमत्कार को चाहता हुआ। अब मिड कैप फंडा, आशीष जी बताइए। जी, तो हर्षदा, देखिए मैं डिफेंस स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और वहां पे मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड एक स्टॉक है जो हमें काफी पसंद है और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि आप देखिए, पिछले 5 महीनों से स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास और पिछले 2 हफ्तों में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी है वो काफी सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 से 6 महीने के डेटा के सामने। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छा खासा लॉन्ग एक्युमुलेशन यहाँ पे हुआ है। टेक्निकली आप देखेंगे तो 840 पे एक अच्छा बेस बना है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक 1100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री ऊपर में दिखा सकता है। अब जहां तक के बिजनेस फंडामेंटल्स की बात है तो आप देखेंगे कि शिप बिल्डिंग के अंदर में इंडिया का मार्केट शेयर मात्र 1% है और उसके अंदर में भी कोचिन शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब करीब 1,10,000 डेड वेट टन्स के ऊपर है, जो कि सबसे बड़ी कैपेसिटी है। और हमें जो लगता है कि कमर्शियल सेगमेंट के अंदर में इलेक्ट्रिक वेसल्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी आएगी। यूरोप में करीब करीब 2500 ऐसे वेसल्स हैं जिनको ग्रीन वेसल्स में कन्वर्ट करने की बात कैसे रिप्लेस करने की बात चल रही है और वहां पर मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड को एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आएगी। और आप देखेंगे ऑर्डर बुक टू रेशियो करीब करीब 10 टाइम्स का है, यानी कि कंपनी की जो टॉप लाइन है अगर से वो 2200 करोड़ के आसपास है तो वहीं ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आ रही है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है लॉन्ग टर्म टेलविंड है और जिसके चलते हमें लगता है कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छी खासी अपसाइड करंट लेवल से भी देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोचिन शिपयार्ड में। चलिए, सारे ट्रेड्स में एक बार दोहरा